everyone and welcome back to yet another video. I hope you all are doing good. It's a beautiful sunny day and October heat is on its swing. बरसातें तो हमारे यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा हुई नहीं, तो we were somewhere down the line prepared for this heat. So I decided to treat myself with some nice chilled cold coffee. आप भी सोच रहे होंगे कि ये चाय पीने वाली बंदी आज कॉफ़ी कैसे पी रही है. तो एक गर्मी तो वजह है ही, और दूसरा ये कि आज सुबह नाश्ता वाश्ता निपटाने के बाद मैं जाके वापस सो गई थी. जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, बट आज ऐसा हुआ कि मैं जाके सो गई थी एंड देन सीधा जाके उठी डोरबेल की आवाज़ से, और उसके बाद से मेरा सर बहुत भारी हो रहा था. तो ये भी वजह थी कि आज मैंने सोचा चलो कुछ ठंडा पी लेते हैं. सो कॉफ़ी वॉज द बेस्ट ऑप्शन आई कुड थिंक ऑफ, एंड फॉर द नो शुगर पर्सन दैट आई एम, तो ऑब्वियसली नो शुगर कॉफ़ी ही बनाऊंगी मैं. आई विल बी यूजिंग डेट्स इन इट. अगर आप भी कॉफ़ी लवर हैं तो एक बार ये ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा टू हैव योर कॉफ़ी विद डेट्स इंस्टेड ऑफ वाइट प्रोसेस्ड शुगर. शुगर वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है. ट्राई दिस डेट्स ऑप्शन, आई बेट यू विल नॉट रिग्रेट इट. प्लस इट विल एड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू योर डाइट. डेट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन एंड आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स वगैरह इंटैक्ट रखता है. स्पेशली अगर आप एनामिक हैं तो भी डेट्स का सेवन आपको रोज करना चाहिए. मैंने थोड़ा सा दूध डाल के सबसे पहले डेट्स और कॉफ़ी को ब्लेंड कर लिया था ताकि डेट्स का एकदम स्मूथ सा मुझे ब्लेंड मिल जाए, मिक्सचर मिल जाए. उसके बाद बाकी का दूध और आइस डाल के मैंने कॉफ़ी बना ली. एंड दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बाय द वे, क्योंकि मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही पसंद है एंड सो डज माई हस्बैंड. As I sat down to work today to chalk down my schedule for today and for the coming days, I realized कि मैंने ऐसी बहुत सारी recipes लिख रखी थी on my to-do list, जो कि मुझे try करनी थी but मैंने अभी तक की नहीं. And believe me, ऐसी बहुत सारी recipes लिखी हुई थी. तो आज मैंने decide किया अब बहुत हो गया, आज से ये trial शुरू. तो आज ये वीडियो मैं इन्हीं न्यू रेसिपीज़ को डेडिकेट करती हूँ, जहाँ पे मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जो एकदम नई हैं और मैंने पहली बार ट्राई करी. ऑब्वियसली सारी रेसिपीज़ तो एक दिन में ट्राई नहीं हो सकती हैं, तो लेट्स सी आज मैं कितनी ट्राई करती हूँ. एंड विद दिस मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये रेसिपीज़ कैसी रही एंड वेदर दे आर वर्थ द ट्राई और नॉट. आज के मेन्यू पे पहली रेसिपी जो है वो है चॉकलेट आइसक्रीम एंड दैट टू हेल्दी वाली. तो मेरे पास एक ये बनाना पड़ा था जो कि अब नहीं कंज्यूम किया तो थोड़े दिनों में ही काला पड़ जाएगा. सो आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस. इसको मैं सबसे पहले काट के फ्रीज होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि फ्रोजन बनाना चंक्स बहुत अच्छे से चर्न होते हैं. सो ऑल आई हैव टू डू इज कट देम एंड पुट देम इनटू द फ्रीजर फॉर अ लिटिल व्हाइल. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1/4 कप काजू एंड 5 to 6 डेट्स. काजू को मैं सोक करूँगी थोड़े से गर्म पानी में एंड लाइक वाइज डेट्स को मैं सोक करूँगी 1/4 कप गर्म दूध में. और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये सोक होके सॉफ्ट होंगे तब तक हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो कि है केरला से. डोंट वरी, हम कोई इडली सांभर डोसा नहीं बनाने वाले हैं. हम यहाँ पे बना रहे हैं कैलिकट का फेमस बेकरी स्टाइल घी केक, और वो भी बिल्कुल एगलेस. सबसे पहले छान लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैं ले रही हूँ 1/2 कप मैदा, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून एंड 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर. कार्डमम इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पाइस, बट इट इज वेरी कॉमनली यूज इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड. इलायची का पाउडर घर पे बनाना बहुत आसान है, जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है. आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी वेस्टेज के, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से इसको घर पे बना सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे
एंड फॉर द टाइम बीइंग इसको कर देते हैं किनारे और अपने वेट इंग्रेडिएंट्स पे वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी। ना ये एकदम मेल्टेड फॉर्म में है और ना ही एकदम जमा हुआ है। एज यू कैन सी ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए घी की। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप पाउडर्ड शुगर। मैंने यहाँ पे टोटल 1/2 कप दूध लिया है, लेकिन अभी मैं सारा दूध ऐड नहीं करूँगी, आधा ही ऐड करूँगी, यानी कि 1/4 कप के करीब मैंने इसमें दूध ऐड करके सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीरे धीरे करते करते मैं इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दूँगी बहुत लाइट हैंड से, मेकिंग श्योर नॉट टू ओवर मिक्स। रिमेनिंग मिल्क भी ऐड करूंगी, लेकिन अगेन सारा मिल्क एक ही बार में नहीं ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके करूंगी ऐड, क्योंकि हर बार मैदे की कंसिस्टेंसी भी अलग होती है, तो बैटर कितना दूध या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ये डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत। तो पूरा दूध एक साथ मत ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए। बाय डूइंग सो आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी कंट्रोल में रहती है। दिस इज एग्जैक्टली द बैटर कंसिस्टेंसी दैट वी वॉन्ट। और 1/2 कप दूध में से लगभग 2 चम्मच के करीब दूध बच गया है। ओवन मैं ऑलरेडी प्री हीट कर चुकी हूँ एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड और अब मैं इसे एक बेकिंग ट्रे में डाल के बेक कर लूंगी। आप चाहें तो इसे टॉप अप कर सकते हैं अपने मनपसंद की टॉपिंग के साथ। फिलहाल मैं इसे ऐसे प्लेन ही बेक करने वाली हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग बेकरीज में ये इस तरीके से प्लेन ही सर्व होता है ऑथेंटिकली एंड ट्रेडिशनली, सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस ओनली। It took me 30 minutes to get this cake baked. You know it is done when you insert a toothpick or the knife right in the center of the cake and it comes out clean. The cake is beautifully and perfectly baked. अभी मैं इसको demold करके cut नहीं करूँगी, मैं इसको ढक के रख दूँगी और जब ये completely ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको cut करूँगी। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक आइसक्रीम का काम कर लेते हैं। सोक्ड डेट्स और सोक्ड कैश्यू नट्स ये हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, दोनों को ही मैं ब्लेंडर जार में ले लूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर एंड फ्रोजन बनाना। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, इतने अच्छे तरीके से कि आपको इसमें किसी भी चीज़ का एक भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए, इतना स्मूथली हमें इसे ब्लेंड करना है। And tada, the ice cream is now ready to set. इसको एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के हम फ्रीजर में रख देंगे तब तक जब तक ये सेट ना हो जाए। थी ना ये इजी रेसिपी? आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई शो यू कि मेरे बच्चों को ये कैसी लगी। आप इसको भी टॉप अप कर सकते हैं अपने मनपसंद की टॉपिंग के साथ। आई हैव जस्ट केप्ट इट प्लेन एंड सिंपल। Now since my husband was working from home today, the next recipe that I picked up from my to-do list was to make a snack recipe. And this one became my favorite ultimately because this is made using the leftover idli batter. To 1 cup of leftover idli batter, I've added 2 tablespoons besan, 1 tablespoon suji, namak swadanusar, 1/4 teaspoon haldi powder, 1 tablespoon chini, 1 teaspoon oil. इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाय द वे डिड यू गेस व्हाट आई एम मेकिंग? वेल आई एम मेकिंग खम्मन और ढोकला यूजिंग दिस लेफ्ट ओवर इडली बैटर एंड ट्रस्ट मी दिस टर्नड आउट टू बी सुपर डिलिशियस, सो यू गॉट टू गिव दिस अ ट्राई। 5-10 मिनट के लिए इस बैटर को हम ढक देंगे एंड इन द मीन वाइल यहाँ पे मैं कढ़ाई में एक स्टैंड रख दूंगी और इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दूंगी फॉर स्टीमिंग द खम्मन और द ढोकला दैट वी आर कुकिंग। और यहाँ पे एक ज़रूरी टिप, स्टीम करने की वजह से कढ़ाई नीचे से काली ना पड़े इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा नींबू का। अब इसको गर्म होने देते हैं। इन द मीन वाइल यहाँ पे मैं पैन भी ग्रीस कर लूँगी जिसमें मैं स्टीम करूँगी खम्मन को। पानी जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाएगा तो ये जो बैटर हमने प्रिपेयर किया था उसमें मैं डाल दूंगी 1/2 सैशे इनो का। प्लीज रिमेम्बर 1/2 सैशे से ऊपर मत डालिएगा वरना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल नॉट टेस्ट गुड, प्लस जो टेक्सचर है आपके खम्मन का वो भी खराब हो जाएगा। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी
तुरंत ही आप देखेंगे कि ये बैटर बहुत ज़्यादा फोमी हो चुका है, फ्रॉथी हो चुका है। इसको अब हम बहुत देर रखेंगे नहीं, तुरंत ही ग्रीस्ड मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड को डाल देंगे हम स्टीम होने के लिए फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। इन द मीनवाइल बच्चे देख चुके थे कि मैंने केक बेक किया है एंड दे जस्ट कुडंट वेट, दे वांटेड मी टू कट इट ऑफ इमीडिएटली नाउ। और केक ठंडा भी हो चुका था तो मैंने भी सोचा लेट्स डू इट एंड सी हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। As you can see, definitely this recipe was a hit. The texture and the taste of the cake, dono hi superb the. Let me give you a closer look. Look at this. Kitna soft, spongy and perfect jalidar texture bana hai is cake ka. This was truly an authentic recipe from Calicut and definitely deserves a must try. As soon as I cut the cake, definitely the kids couldn't resist. Wo itna bhi nahi ruke ki main dhang se iski picture le lu. Anyways, doesn't matter. All that mattered was ki they were happy tasting the cake and fully satisfied too. Coming back to the dhokla, I checked it after 25 minutes by inserting a toothpick right in the center. Toothpick ekdam clean aayi thi, I knew the dhokla was done. It was time for the tempering now. But before that, let me show you the condition of the kadhai. Ye dekhiye, bilkul saaf hai, bilkul kali nahi padi hai. That's because of the nimbu jo humne isme dala tha. And dhokla hamara super soft banke nikla hai. किसी भी और खम्मन की तरह इसका टेम्परिंग बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, राई, कड़ी पत्ता, स्लिट करके ग्रीन चिलीज डाली हैं, एक टेबलस्पून के करीब चीनी डाली है और आधा कप के करीब पानी। बस जैसे ही इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा और चीनी एकदम पिघल जाएगी तो इसको मैं डाल दूंगी खम्मन के ऊपर। I'm sure while I'm cutting this, you can easily make out कि ये कितना ज़्यादा soft बना है। I wish I could let you taste also because truly this was amazing in taste. Tempering ready हो गई है, इसको मैं डाल रही हूँ अब खम्मन के ऊपर। जब मैं ये बना रही थी ना, आपको सच बताऊँ तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे तुरंत ही खा लूँ। ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। And the instant feeling that I got was कि जो हम इंस्टेंट खम्मन बनाते हैं ना बेसन यूज़ करके, ये उससे भी ज़्यादा इजी रेसिपी है। बेसन से जो हम खम्मन बनाते हैं उसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन द मेजरमेंट्स, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल कुकिंग इट, अदरवाइज वो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बट ये वाला रेसिपी तो उससे कई ज़्यादा ईजी था एंड अब तो मेरा फेवरेट हो चुका है। बस गार्निश कीजिए कटे हुए धनिए के साथ एंड कुछ डेसिकेटेड कोकोनट के साथ एंड टडा, दिस वॉज रेडी टू सर्व। But for us, this had to go with garma garam adrak wali chai. Thank you.
जहाँ तक आइसक्रीम का सवाल था तो बच्चों को वो बहुत पसंद आई। हालांकि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा नहीं खाई, बट मेरी बेटी को बहुत पसंद आई। एंड एज फॉर मी लाइक अ नो शुगर पर्सन, मेरे लिए इट वॉज अ कम्प्लीट ब्लिस, अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू सेटिस्फाई योर स्वीट टूथ। सो ऑल इन ऑल अ विन विन रेसिपी। आई होप आप सबको आज का वीलॉग बहुत पसंद आया होगा और आप भी ये सब रेसिपीज ट्राई करेंगे। And when you do so, don't forget to share your comments, pictures and feedback with us. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe to our channel and also hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. Thank you for now and I'll see you with my next one pretty soon. Bye-bye.